नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा और आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। महोबा के डाक बंगला मैदान में प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कैब और एनआरसी के विरोध को लेकर समूचे देश और प्रदेश में आग लगी है। सरकार की गलत नीतियों के चलते PSP द्वारा आगामी 18 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में संविधान बचाओ देश बचाओ धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शिवपाल मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने महोबा आए थे, जहां उन्होंने आगामी 2022 में सरकार बनाने की भी बात कही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, इन घटनाओं का विरोध करते हैं। आज भी एक पीड़िता हमसे मिली है, चित्रकूट में रेप की घटना के बाद दरोगा बचाव करता नजर आ रहा है। अभी तक आरोपियों को पुलिस ने नहीं पकड़ा है और जो लोग पीड़िता की मदद कर रहे हैं उन्हें भी फंसाया जा रहा है। ऐसी घटनाओं को लेकर जल्द ही विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं सपा में शामिल होने के सवाल पर शिवपाल ने कहा कि अभी तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी दौरे और सम्मेलन कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य 2022 में हम सरकार बनाएं, और जवाब डालते हुए निकल गए। इस समय देश में जो मैंने बोला है प्रगति की, देश को प्रगति की रास्ते पर ले जाने की जरूरत थी, सामाजिक न्याय देने की जरूरत थी और देश को एक करके चलने की जरूरत थी। लेकिन ऐसे में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया है वो देश हित में नहीं है, देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। ये बिल्कुल उल्लंघन है। इसलिए देखिए, 18 तारीख को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में प्रदर्शन, धरना, उपवास, संविधान बचाओ देश बचाओ, इसके लिए हम धरना प्रदर्शन और 18 तारीख को उपवास करेंगे। जो रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, आपके सामने अभी एक लड़की है यहीं पर, उसका देखिए अभी तक मेडिकल नहीं हुआ है, रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, और जिन्होंने उसके साथ रेप किया है 11-12 दिन रखा है उनको बचाया जा रहा है, और जो उस लड़की के और परिवार की हेल्प कर रहे हैं उनके खिलाफ उनको गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा